हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करेंगे पाल्पिटेशन को बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी इक्विपमेंट के कैसे स्टॉप कर सकते हैं। सबसे पहले पाल्पिटेशन होता क्या है? पाल्पिटेशन एक तरह से एबनॉर्मल और इरेगुलर हार्ट बीट होती है, जिसमें आपको ऐसा फील होता है जैसे आपका हार्ट पाउंडिंग कर रहा है, बहुत तेज़ दौड़ रहा है, रेसिंग कर रहा है। आपकी खुद की बीट आपको अनप्लीजेंट फील होएगी। कई बार हार्ट पाल्पिटेशन के साथ साथ में आपको गर्दन की जो नेक वेन्स हैं वहाँ पर भी आपको पूरा पाल्पिटेशन जैसा लगेगा कि आपकी जो वेन्स हैं बहुत ज़्यादा मोमेंट कर रही हैं। पाल्पिटेशन कई कारण से हो सकता है। इसके मोस्ट ऑफ कारण रहते हैं जो कि ज़्यादा सीरियस नहीं रहते, सिंपल कारण रहते हैं। जैसे किसी को एनीमिया हो गया, उसका हीमोग्लोबिन कम है, या फिर उसको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इन कंडीशन में एड्रेनलिन रिलीज होता है जिसके कारण आपको पाल्पिटेशन हो सकता है, या फिर आपका थायराइड बहुत ज़्यादा और एक्टिव है, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी पाल्पिटेशन हो जाता है, या यदि आप बहुत ज़्यादा कैफीन लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, एल्कोहल लेते हैं, या कुछ ड्रग्स लेते हैं जैसे कोकेन है, मेरीजुआना है, तो ये सब पाल्पिटेशन कर सकती हैं। कुछ केसेज में पाल्पिटेशन का जो कॉज है वो सीरियस हो सकता है, जिसमें कुछ हार्ट कंडीशन रहती हैं, जैसे आपका हार्ट फेलियर है, या हार्ट में कोई वाल्वुलर डिजीज है, माइटल वाल प्रोलेप्स है, या फिर कोई कार्डियोमायोपैथी यानी हार्ट की मसल्स की कोई डिजीज है, तो इन कंडीशन में पाल्पिटेशन आपका कुछ सीरियस हो सकता है। सिंपल चार मेथड्स हैं जिसके द्वारा आप कहीं पर भी कभी भी इसको रोक सकते हैं। सबसे पहला मेथड है वल्सालवा मेनेवर। वल्सालवा मेनेवर में ये स्टिमुलेट करता है वेगस नर्वा को। वेगस नर्वा अपने हार्ट और ब्रेन से कनेक्टेड रहती है, और जैसे ही वेगस नर्वा स्टिमुलेट होती है ये अपने हार्ट की धड़कन को कम करती है, हार्ट रेट को कम करती है। वल्सालवा मेनेवर करने के लिए सबसे पहले आप कंफर्टेबली बैठ जाएं और फिर अपने एक फिंगर और थंब से अपने नोज को पिंच करें। उसके बाद में अपने मुंह को बंद कर लें। उसके बाद में आप फोर्सफुली एक्सहेल करें, यानी अपनी सांस है उसको बाहर की तरफ छोड़ें। ये आप 10 से 30 सेकंड तक करें। इससे क्या होगा, आपका चेस्ट का प्रेशर बढ़ेगा और वो आपकी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा और आपकी हार्ट की जो रिदम है वो नॉर्मल आ जाएगी। दूसरा मेथड है कफिंग। आपको एकदम फोर्सफुली कफिंग करना है, और जैसे ही आप कफिंग करेंगे वो आपका चेस्ट का प्रेशर बढ़ाएगी और आपके हार्ट रेट को नॉर्मल करेगी। तीसरा मेथड है डीप ब्रेथिंग का। डीप ब्रेथिंग एक सिंपल मेथड है आपके जो हार्ट पाल्पिटेशन को ब्रेक करने के लिए, और ये जो आपकी जो एंजाइटी या पेनिक अटैक है उनको भी कम करती है और आपके ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाती है। डीप ब्रेथिंग करने के लिए आप कंफर्टेबली एक जगह बैठ जाएं। उसके बाद में आप अपने नाक के द्वारा स्लो और गहरी सांस लें, फिर मुंह के द्वारा उसको स्लो स्लो वापिस छोड़ें। ये प्रोसीजर आप कंटिन्यू कुछ मिनट के लिए करें जब तक आपका हार्ट रेट नॉर्मल हो जाए। चौथा मेथड है कोल्ड वाटर। जब भी आप पाल्पिटेशन फील करते हैं अपने मुंह को कोल्ड वाटर से धोएं, या फिर ठंडा पानी अपने मुंह पे मारें, या फिर आप ठंडे पानी में शॉवर भी ले सकते हैं, ठंडे पानी में नहा सकते हैं। सबसे सिंपल है, आप टॉवल में कुछ आइस रखें, बर्फ़ रखें, और अपने मुंह पे पूरा उसको लगाएं। इससे क्या होगी, आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी और आपकी हार्ट रेट और रिदम नॉर्मल हो जाएगी। तो ये चार सिंपल मेथड हैं जिसके द्वारा आप कहीं भी कभी भी अपने पाल्पिटेशन को ब्रेक कर सकते हैं। इसमें किसी इक्विपमेंट की या मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहती है।